हेलो गाइस, वेलकम टू TT24। यहाँ पे आप जानेंगे इंडियन रेलवे की एक ऐसी जॉब जो आपको डायरेक्ट एंट्री देता है इंडियन रेलवे में भर्ती होने के लिए विदाउट गिविंग एनी एग्ज़ाम, यानी कि बिना परीक्षा के आप इंडियन रेलवे में भर्ती हो सकते हैं। तो इंडियन रेलवे से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आई है, हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको हम बंगला खलासी के देते हैं। बंगला खलासी इसको कहते हैं बंगलो पियोन इंग्लिश में, चपरासी भी कहते हैं। इसका जो अपॉइंटमेंट होता है वो जूनियर ग्रेड अधिकारी द्वारा होता है, मतलब कि रेलवे ऑफिसर द्वारा किया जाता है। रेलवे ऑफिसर के पास इतनी पावर रहती है कि वो जो है चपरासी को नियुक्त कर सकता है। और एक रूल है उसमें कि आपको जो है 5 साल तक के लिए संविदा पे रखा जाएगा, 5 साल तक आपको जो है सैलरी दी जाएगी एज अ रेलवे पियोन जो परमानेंट होते हैं, उसी प्रकार से आपको सैलरी मिलेगी। बस केवल अलाउंस जो है, जो केवल सैलरी को छोड़ के और कोई शायद अलाउंस नहीं दिया जाता है। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो आप मुझे नीचे जो है कमेंट में बता सकते हैं कि और क्या सैलरी के अलावा कुछ और दिया जाता है, कि मतलब कि जो संविदा पे भर्ती होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। तो चलिए कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें क्या अपडेट आई है। रेलवे में जो है सीधी नौकरी की आज देख रहे युवाओं को झटका लगा है। ग्रुप डी में बंगला खलासी के पद पर होने वाली भर्ती अब नहीं होगी। रेलवे बोर्ड की ओर से जो है इस पद पर भर्ती रोकने का आदेश दिया गया है। हालांकि जो है जोनल रेलवे ने जो है इस पद पर जो है भर्ती का एक रिव्यू मांगा है, मतलब कि पूरी तरह से जो है ये इसको रोका नहीं गया है। केवल जोनल रेलवे जो है प्रयागराज से ये इन्फॉर्मेशन आई है, तो मतलब कि अदर जो जोन है वहाँ पे ये भर्ती हो रही है। अगर आपको भर्ती जुड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सीधे आप हेडक्वार्टर चले जाइए, रेलवे से जो है रेलवे ऑफिसर से मीट करिए, क्या पद आपके यहाँ खाली है क्या, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। केवल हाई स्कूल 10th पास 12th पास केवल इसमें मांगा जाता है, 8th पास मांगा जाता है। पियोन की वैकेंसी लिखना पढ़ना आना चाहिए और जो रेलवे अधिकारी जो कहते हैं आपको उनकी बात को मानना होगा। तो ऐसे में अब इस पद पर जो है भर्ती होने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। तो रेलवे बोर्ड ने भर्ती पर लगाई रोक, जोनल रेलवे से मांगा है विचार। तो फ्रेंड, बंगला खलासी ऐसा पद है जिस पद पर जो है जिस पर सीधी भर्ती हो जाती है। ऐसे हुआ जो शैक्षणिक योग्यता पूरी करते थे उन्हें जूनियर ग्रेड अधिकारी तक को जो है अपने बंगले पर नियुक्त करने का अधिकार होता था। बंगला खलासी का जो पद है, कर्मचारियों को जो है 5 साल की नौकरी अधिकारी के साथ करनी होती है, बाद में उसे नियमित कर दिया जाता है। तो फ्रेंड, अगर आपके अगल बगल कोई भी अगर रेलवे में इसमें जो है भर्ती होता है, आपको लगता है अरे यार ये कैसे भर्ती हो गया, इसने तो रिटर्न एग्ज़ाम दिया नहीं, तो वो इसी प्रकार का जो है पद जो है रहता है। तो इस दौरान जो है भर्ती होने वाले युवा को नौकरी के पहले दिन से ही युवा उतना ही जो है वेतन उसको मिलता है जो नियमित कर्मचारी को मिलता है। साथ ही निश्चित अवधि पूरी होने के बाद स्थायी नियुक्ति का लाभ मिल जाता था। तमाम युवा जो है इसी आस में अफसरों के घरों में जो है काम करते थे। इस भर्ती के तहत जो है आने वाले युवाओं को ग्रुप डी की भर्ती परीक्षाओं से नहीं गुजरना होता था। ऐसे कर्मचारी नौकरी अधिकारियों को जो है बंगले पर गुजार देते थे। तो नियमित जो है नियुक्ति होने पर आगे विभागीय कार्रवाई के बाद जो है प्रमोशन भी मिल जाता है। CPRO जो हैं, जिनका नाम है अजीत सिंह, उनका कहना है कि इस मामले पर रेलवे बोर्ड ने जो है जोनल रेलवे से विचार मांगा है। 1 जुलाई के बाद जो है जो भी भर्ती हुई है उस पर जो है रिव्यू देखा जाएगा। तो आने वाली अपडेट में अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आप सभी लोग का धन्यवाद।